आप सभी ने फंक्शन पढ़ा है, कलिका की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो ना फंक्शन। यस मैम। ओके, एन एलिमेंट ले लिया है और इसमें मैं डिफाइन कर रही हूँ कोई सिग्मा, ये फंक्शन का नाम है। इसको अगर मैं ए नाम दे रही हूँ, सेट है, तो हम ए से, ए में एक फंक्शन ले रहे हैं सच दैट जो सिग्मा है वो आपका बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया आपका? वन वन और ऑन टू। यस, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो हमने एक सेट लिया ए और उस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सिग्मा, सच दैट सिग्मा जो है आपका वन वन और ऑन टू दोनों। ठीक है, अब हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, उसको मैंने सपोज एस एन नाम दे दिया, तो उसमें मैंने वो सारे फंक्शंस ले लिए सच दैट सिग्मा इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये कलेक्शन ले लिया यहाँ पे, तो अब ये जो एस एन है ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। इस पे क्या होगा? कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन तो आपने पढ़ा होगा। ये अगर हम दो फंक्शंस पे लगाते हैं कंपोजिशन, तो इस ये अगर हमें x कैलकुलेट करना हो तो हम पहले क्या करेंगे, g की वैल्यू x पे कैलकुलेट करेंगे, देन g की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऐसे हम कंपोजिशन करते हैं। तो इस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अब आपका ये जो sn है ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसी sn को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन ग्रुप आपका क्या हो गया, सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस का जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म करता है, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्रुप। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, तो कितना इसका ऑर्डर हो सकता है? n factorial. n factorial. ये सभी को क्लियर है कि n factorial क्यों है? Yes ma'am. Okay, so one one on two इसलिए. One one on two है इसलिए. Yes. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जैसे वन के लिए हमारे पास n choices होगी, क्योंकि वन वन ऑन टू है, सॉरी वन वन है, तो ये वन किसी पे भी जा सकता है, तो फर्स्ट के लिए आपके पास n choices। अब टू के लिए कितनी चॉइसेस बची, क्योंकि वन वन है इसलिए जो अगर जैसे सपोज करो वन वन अगर थ्री पे आपका मैप हो रहा है, तो टू है वो थ्री पे मैप नहीं हो सकता है क्योंकि वन वन फंक्शन है, तो इसके लिए टू के लिए आपका चॉइसेस बच गया एन माइनस वन। ऐसे करते ही आपके पास इस टाइप से चॉइसेस बचती जाएंगी, तो ये आपका टोटल जो चॉइसेस हो जाएंगी वो इतनी हो जाएंगी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका इसका ऑर्डर हो गया। देन हम एक चीज और देख लेते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। जब आपका जो जो भी फंक्शन है सिग्मा, वो अगर एलिमेंट को खुद पे ही मैप करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, आइडेंटिटी हमारा वही तो होता है ना, जो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, जो हर एलिमेंट को खुद पे ही मैप करता है। ठीक है, तो सिमिलरली आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या हो जाएगी, वो परम्यूटेशन जो हर एलिमेंट को खुद पे मैप कर। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे सपोज कीजिए सिग्मा मेरा कोई परम्यूटेशन है और मेरे पास एलिमेंट है एन एलिमेंट है, तो वन की जो इमेज होगी उसको मैं सिग्मा वन बोल सकती हूँ, टू की होगी उसको सिग्मा टू। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही इसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद में इसका एक और नोटेशन आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास
इसमें वन टू थ्री, वन टू थ्री, सपोज वन आपका टू पे मैप हो रहा है, टू जो है वो थ्री पे मैप हो रहा है, थ्री जो है वन मैप हो रहा है। इस सिग्मा को हम कैसे लिख देंगे, वन टू थ्री। अब आपका सिग्मा वन क्या हो रहा है, मतलब जो वन का इमेज है, वन का इमेज आपका कितना है, टू हो गया यहाँ पे। फिर टू का इमेज कितना हो गया, थ्री, और थ्री का इमेज कितना हो गया, वन। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम जो कोई भी परम्यूटेशन है उसको इस टाइप से लिखते हैं। अब इसका एक और प्रेजेंटेशन आता है, साइक्लिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें हम कैसे लिखेंगे, वन का इमेज क्या हुआ आपका, टू, टू का इमेज कितना हो रहा है, थ्री, थ्री का इमेज वन, तो हम फिर से वन पे आ गए, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर दें। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है, ये तो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और अगर आप इसको साइकिल में लिखेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और देन तब तक चलते जाते हैं जब तक हमें जहां से स्टार्ट किया था वही नहीं मिल जाता। जैसे हमने यहाँ पे वन से स्टार्ट किया कि वन की इमेज आपकी टू हुई, देन टू की इमेज आपका थ्री हुआ, और थ्री का इमेज अगेन हमें क्या मिल गया, वन मिल गया। तो हम जहाँ से स्टार्ट होते वहीं पे आगे कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा एक साइकिल है। ओके, अब आता है आपका इस साइकिल का ऑर्डर, मतलब वन टू थ्री जो साइकिल हुआ इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपका होता है लेंथ, लेंथ ऑफ दिस साइकिल। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, वन टू थ्री, तीन ही एलिमेंट हुए इसमें, तो इसकी जो ऑर्डर हो गया वो थ्री हो गया। तो किसी भी साइकिल का जो लेंथ होता है वो उसका ऑर्डर बन जाता है, और इसी की हेल्प से हम परम्यूटेशन का फिर ऑर्डर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है, अभी इसके साथ ही हम परम्यूटेशन का भी ऑर्डर देख, नहीं उससे पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं परम्यूटेशन का, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। जैसे सिग्मा आपका एक परम्यूटेशन है और मैं इसको टाउ बोल सकते हैं, ये तो परम्यूटेशन हैं, सपोज एसएन से बिलोंग कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको इस टाइप से लिखते हैं पोजीशन में। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे सिग्मा मैंने ले लिया, अभी हम बेसिक वाली प्रेजेंटेशन से देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। वन टू थ्री फोर, सपोज ये टू पे हो रहा है, ये वन पे, ये फोर पे, ये थ्री पे, ओके, और टाउ आपका हो रहा है वन टू थ्री फोर, थ्री वन टू फोर। ठीक है, ओके, तो आपका ये जो सिग्मा ऑफ टाउ हो जाएगा, ऑब्वियसली है ये हमारा वन टू थ्री फोर पे डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इधर टाउ से देखते हैं, इसमें वन का इमेज कितना है, थ्री। अब इस थ्री का इमेज हम सिग्मा में देखेंगे, यहाँ पे थ्री का इमेज कितना है, फोर है, तो वन का इमेज कितना हो जाएगा, फोर है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर से ही शुरू करेंगे, या फिर आप ठीक है टू से देखिए, अब यहाँ पे टू का इमेज कितना, वन, और वन का इमेज इसमें टू, तो टू का इमेज टू हो गया। अब थ्री का इमेज यहाँ पे टू हो गया, टू का इमेज वन हो गया, तो थ्री का इमेज हो गया आपका वन, इसमें फोर का इमेज फोर, इसमें फोर का इमेज थ्री, तो फोर का इमेज हो गया यहाँ पे थ्री। अगर इसको हम साइकिल में लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा वन का इमेज फोर, फोर का इमेज थ्री, थ्री का इमेज वन, तो इसको यहीं क्लोज कर देंगे, और टू का आपका टू ही हो गया। जनरली हम साइकिल में
उन एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं जिसका खुद पे ही मैप होता है, जैसे टू है वो उसका मैप खुद पे ही हो रहा है, इसको हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको हम सिंपली ये लिख देंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि जो बाकी एलिमेंट्स बच गए उनका जो मैपिंग है वो खुद पे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए हम इसमें बेसिकली हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, इस सिग्मा सॉरी टाउ से शुरू करेंगे और इसमें जहां से भी जिस भी एलिमेंट से आप देखना चाहें उसका इमेज देखेंगे टाउ में, फिर जो इमेज मिल रही है उसका इमेज आपको देखना पड़ेगा सिग्मा में, तो वही इस एलिमेंट का इमेज हो जाएगा। ऐसे ही करते हम लोग देखते चले जाएंगे। अच्छा, अगर यही साइकिल में होता तो कैसे करते हम लोग, तो साइकिल में आपका सिग्मा क्या लिखा होता, वन गया टू पे, टू गया वन पे, तो ये यही क्लोज हो गया, थ्री गया फोर पे, फोर गया थ्री पे, फिर टाउ आपका हो गया वन का इमेज थ्री पे, थ्री का इमेज टू पे, टू का इमेज और फोर का इमेज फोर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन है, वन लिख दिया, और वन का इमेज यहाँ पे थ्री, और इसमें थ्री का इमेज फोर, तो वन का इमेज हो गया फोर। अब यहाँ पे फोर आ गया तो हम फोर से स्टार्ट करते हैं, इसमें फोर का इमेज आपका हो गया फोर, और इसमें इमेज हो गया आपका फोर का थ्री, तो फोर का इमेज थ्री। अब इसमें थ्री का इमेज वन हो गया, और वन का इमेज सॉरी थ्री का इमेज हो गया टू, और टू का इमेज हो गया वन, तो थ्री का इमेज आपका हो गया वन। तो इसको वन ना लिख के हम लोग ऐसे साइकिल में होता है कि थ्री, इसका मतलब ये होता है कि जो थ्री है वो वन पे जा रहा है, इसको हम यहीं पे क्लोज कर लेंगे। ओके, अब वन का हो गया, थ्री का हो गया, फोर का हमारा कितना बच गया, टू बच गया, ठीक है। टू का इमेज इसमें वन, और वन का इमेज टू, तो टू का इमेज टू पे, तो यही देखिए सेम चीज आ गया दोनों में, ठीक है। तो अब आपको ये तो बेसिक था, ठीक है, तो समझाने के लिए हो गया, पर आपको जब नॉर्मल इक्वेशंस वगैरह ट्राई करने पड़ते हैं तो वहां पे साइकिल में ही दिया होता, तो साइकिल में हम लोग इस टाइप से करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, जैसे सिग्मा इक्वल टू आपका, अगर मैं ऐसे लिखूँ वन टू थ्री अप टू एन, तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा ना उसमें क्या करना है आपको, उल्टा कर देना है, एन एन माइनस वन ऐसे टू वन, कोई भी जो आपका परम्यूटेशन है उसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो उसका आपका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिग्मा ले लेते हैं वन थ्री फाइव फोर टू, तो यहाँ पे आपका सिग्मा इनवर्स कितना हो जाएगा, टू फोर फाइव थ्री वन। आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स है वो आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, क्लियर, ये आपका इनवर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डिसजॉइंट साइकिल्स। जैसे देखिए एक आपका ये है वन टू टू थ्री, और आपका एक ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, पर इन दोनों में टू क्या है आपका, कॉमन आ गया, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। पर इसमें क्या है, सारे जो एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है या फिर कॉमन चीज नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये तो एक ही साइकिल हुआ ना, इसमें कुछ टू फाइव फोर लिख सकते हैं। तो देखिए इस वाले साइकिल में और इस वाले साइकिल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये चीज आपको, ये तो आपका हो गया डिसजॉइंट साइकिल। नाम से आपको पता चल पा रहा होगा डिसजॉइंट साइकिल मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट दोनों साइकिल में कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे ये कॉमन है इसलिए आपका ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है मैम। हाँ? ये वन टू टू थ्री जो सिग्मा आप लिखे हैं इसमें, हाँ? तो टू का फिर दो इमेज हो जाएगा ना, टू का वन और टू का थ्री। नहीं, ये अभी आप जो ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे कि हम लोग ऐसे किसी भी जो ये परम्यूटेशन होता है उसको हम डिफरेंट टू टू के पेयर में लिख सकते हैं, इसको जब आप ये प्रोडक्ट करके लिखोगे डिसजॉइंट साइकिल में तो इसका एक ही इमेज आएगा, ये ऐसे लिख मतलब वो वर्ड
इसका इमेज वन ही आएगा, मतलब सॉरी दो का इमेज जो है एक ही आएगा, कुछ चाहे थ्री आए चाहे वन आए, आप इसको प्रोडक्ट करके देखोगे तब आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ये ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप सिंगल जब साइकिल बनेगा तो इसका इमेज एक ही आएगा लोग, ठीक है। वो हमको लगा कि साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में आप लिखे हैं, वो अभी हम देखेंगे इसका आगे, ये आपका डाउट वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका रिजल्ट है, ये जो डिस्जॉइंट साइकिल्स होती हैं कम्यूट करती है, इसका मतलब हुआ अगर सिग्मा और टाउ आर टू डिस्जॉइंट साइकिल्स देन सिग्मा टाउ इक्वल टू टाउ सिग्मा, ठीक है। अगर डिस्जॉइंट नहीं है तब हम इन जनरल ये चीज नहीं बोल सकते कि होगा या नहीं होगा, पर अगर ये डिस्जॉइंट है तो ये आपस में कम्यूट करें, ठीक है। इसका आप कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा। फिर आपका एक और आता है, डिस्जॉइंट हो गया, ऑर्डर हो गया आपका। अगर सिग्मा जो है आपका एक परम्यूटेशन है, सच दैट आप सिग्मा को ऐसे लिख रहे हो, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन, जहां पे जो सिग्मा आई है वो आपके डिस्जॉइंट साइकिल से, ठीक है। आई आपका वन से एन तक है, मतलब सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन जो सारे हैं वो आपके डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है आपका वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा वन, इन सभी के जो ऑर्डर है इनका एलसीएम आपका इस सिग्मा का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत काम का रिजल्ट है, क्योंकि इसी से आपको कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे एस फाइव है उसमें सिक्स ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, या फिर इसमें पॉसिबली किस किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट और नेट में बहुत बार पूछा गया है, तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई परम्यूटेशन दे रखा है सिग्मा और उसको अगर हम डिस्जॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इन डिस्जॉइंट साइकिल्स के ऑर्डर का एलसीएम होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कई बार आपको सिग्मा मतलब इस टाइप से दे सकता है कि वो आपका डिस्जॉइंट नहीं हो, तब ये चीज आप नहीं लगा सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्जॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ये चीज लगा सकते, ठीक है। ओके नेक्स्ट आपका आता है, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है इस साइकिल ऑफ लेंथ टू, मीन्स अगर आपका सिग्मा इस टाइप से कुछ है वन टू, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, टू हो गई, इसको हम बोलेंगे कि ये एक ट्रांसपोजिशन। मीन्स जो आपकी टू लेंथ की जो साइकिल होगी उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। और यहां से एक अच्छा सा रिजल्ट आता है कि अगर सिग्मा कोई भी परम्यूटेशन है, सिग्मा इज ए परम्यूटेशन, देन सिग्मा इज आइदर ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स, ठीक है।
ये जो अभी आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अगर मतलब दो साइकिल में दे रखा है जहाँ पे ये डिस्जॉइंट नहीं है, तो उसके लिए ये रिजल्ट है कि या तो वो एक साइकिल होगा, और अगर एक साइकिल नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स होगा। ऐसा आप लिख सकते हो कोई भी परम्यूटेशन के लिए। सिग्मा यहाँ पे कोई भी परम्यूटेशन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी परम्यूटेशन है, या तो ये साइकिल ही होगा, और अगर साइकिल नहीं है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है कि एवरेज साइकिल इज ए, ठीक है, जिसके कोई एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे सिग्मा इक्वल टू 1, 2, 3, यहाँ पे एक साइकिल है 1, 2, 3। अब देखना इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में। एक इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, फिर आप इसको 1, 2, 2, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि इनका जो ये प्रोडक्ट आएगा ना, ये आपका 1, 2, 3 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 1 कॉमन हुआ, यहाँ पे 2 कॉमन हुआ, पर इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो आपका ये एक साइकिल फॉर्म करेगा। इसको और भी वे में हम लिख सकते हैं 3, 2, 3, 1, इसका भी जो प्रोडक्ट होगा आपका 1, 2, 3 ही है। इसमें देखिए 3 कॉमन है। तो अभी आप लोग जो डाउट पूछ रहे थे उससे ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हम लोग हो सकता है कि हमें कई कई बार इस टाइप का साइकिल दे सकता है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है जो डिस्जॉइंट नहीं है, पर उसको हम डिस्जॉइंट कैसे बना सकते हैं उसका प्रोडक्ट कर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? नो मैम, इसका प्रोडक्ट 1, 2, 3 कैसे आएगा वो समझ नहीं आ रहा, एक करके दिखा दीजिए ना मैम। ओके, सपोज हम 1, 3, 1, 2 का ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का जो इमेज हुआ वो 2 हुआ, इसमें 2 का इमेज क्या हुआ, 2 ही हुआ, 2 इस, तो 1 का इमेज 2 हो गया। ओके, अब इसमें 2 का इमेज क्या हुआ, 1, और इसमें 1 का इमेज 3, तो 2 का इमेज 3 हो गया, इसमें 3 का इमेज 3 और इसमें 3 का इमेज 1, तो 3 का इमेज 1, तो इस साइकिल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, 1, 2, 3 हुआ। ऐसे ही आप 1, 2, 2, 3 का करेंगे तो भी आपको 1, 2, 3 दे देगा। देखिए 2 का इमेज हो रहा है 3, और इसमें 3 का इमेज 3, तो 2 का इमेज हो गया आपका 3। ओके, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो 3 का इमेज आपका हो गया 1, 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, तो 1 का इमेज हो गया आपका 2, आपका आ गया 1, 2, 3। आया, हो गया ना? तो इस टाइप से अगर हमें डिफरेंट दे रखा है तो इसको हम प्रोडक्ट करने के बाद में या तो साइकिल या तो डिस्जॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया कि कोई भी जो साइकिल है उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन, ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपका जो लेंथ है वो 1, 2, 3 n लेंथ का है तो उसको आप n माइनस 1 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, 3 थी, हमने इसको कितने ट्रांसपोजिशन में लिखा, 2 ट्रांसपोजिशन, मतलब 3-1 में लिख दिया। ऐसे अगर n लेंथ का साइकिल है तो उसको n माइनस 1 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड दो अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं, ओड एंड इवन परम्यूटेशन। अगर आपका कोई जो सिग्मा है उसको हम प्रोडक्ट हो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, तब सिग्मा क्या होगा आपका, इवन परम्यूटेशन। ठीक है, अगर इसको हमने ओड नंबर ऑफ
ट्रांसपोजिशन में लिख दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3, इसको हम क्या लिख पा रहे थे 1 2 1 3। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपोजिशन, दो ट्रांसपोजिशन, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हो गए इसके, टू हो गए। और टू आपका क्या है, इवन है, तो इसको हमने इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख दिया, मतलब ये जो है आपका इवन परम्यूटेशन। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी हमने क्या देखा कि अगर n ऑर्डर का साइकिल है तो उसको हम n माइनस वन ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो लेंथ है वो ओड हुआ, साइकिल का लेंथ ओड हुआ, तो इसको आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके दो रिजल्ट्स बन गए, अगर आपका जो कोई साइकिल है उसका लेंथ ओड है तो वो आपका इवन परम्यूटेशन हो जाएगा, और अगर इसका लेंथ इवन है तो आपका ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यहीं पे एक और चीज देख ली कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो आपका ऑलवेज इवन परम्यूटेशन होता है। ठीक है, ये आपका ऑलवेज इवन परम्यूटेशन होता है। ओके, इसमें एक चीज और बता देती हूँ। देखिए अब आपने एक साइकिल था, अगर ओड साइकिल हो रहा है तो उसका जो लेंथ है वो सॉरी ट्रांसपोजिशंस में, इवन ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, इसलिए वो इवन हो जाएगा, अगर इवन है तो ओड हो जाएगा। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टर्न साइकिल से रखें तब आप कैसे पता करेंगे कि इवन है या ओड है, उसके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ। सपोज आप परम्यूटेशन है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, जैसे देखिए ये आपका ओड है, सपोज सिग्मा है और ये टाउ, ये आपका सिग्मा टाउ, ये ओड है और ये भी ओड है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि ओड है तो ये भी इवन परम्यूटेशन होगा, ये भी इवन परम्यूटेशन होगा, और इवन और इवन का परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। और अगर इवन है और इवन है तो आपका ऑलवेज इवन। ठीक है, एक ओड और एक इवन तो आपका ओड हो जाएगा, और अगर ये इवन ये और तो भी आपका ओड हो जाएगा। देखिए इसको इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ओड है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इसमें भी इवन होंगे और इसमें भी इवन होंगे। ठीक है, तो ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस और ये भी इवन, तो अगर ये जैसे सिग्मा वन है और सिग्मा टू है, इसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, तो जो टोटल ट्रांसपोजिशंस होंगी वो क्या होंगी, इवन ही होगी ना, क्योंकि इवन प्लस इवन आपका क्या होता है, इवन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसमें जो टोटल है और इसमें जो टोटल है और दोनों का टोटल करेंगे तो सम ही करेंगे ना कि कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो रहे हैं, तो इवन प्लस इवन इवन होगा, इवन वाले केस में आपका ओड ओड और ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे, ओड प्लस ओड भी आपका क्या होता है, इवन होता है, और वही केस इनमें होगा, ओड परम्यूटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, और इवन है तो ओड, तो इवन प्लस ओड आपका क्या हो जाता है, ओड हो जाता है, और इसी टाइप से इसमें हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका आता है, अगर जैसे आपका जो एस एन है उसका ऑर्डर आपका एन फैक्टोरियल,
n फैक्टोरियल है तो इसमें हाफ जो परम्यूटेशन होंगी वो क्या होंगी, इवन होंगी, हाफ क्या होंगी, ऑड परम्यूटेशन होंगी, ठीक है। मीन्स n फैक्टोरियल बाय टू इवन होंगी और n फैक्टोरियल बाय टू ऑड होंगी। तो देखिए जो इवन वाला होगा ना वो अगेन आपका इसका सब ग्रुप बनाएगा ऐसे, और उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव ग्रुप, जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, और इसका ऑर्डर जो है आपका एन फैक्टोरियल बाय टू। अच्छा ये ओड वाला भी बनाएगा क्या, क्यों नहीं बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा ना कि ऑड ऑड का प्रोडक्ट जो होता है इवन होगा। ओके इसमें आपको इतना देखने के, इसमें सिंपल से आप एक चीज ये भी देख सकते हो, ठीक है ये भी ठीक है, आइडेंटिटी ही इसमें नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, इवन परम्यूटेशन होता है, ठीक है, आइडेंटिटी ही नहीं बिलोंग करेगा ओड वाले में। तो जब आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करेगा तो आगे तो देखना ही नहीं है आप, ठीक है। तो ये ओड वाला जो है सेट आपका ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता, पर जो इवन वाला है वो करता है, उसको हम ऑल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं, इसका ऑर्डर एन फैक्टोरियल बाई टू होता है। ओके अब इसमें और आपका क्या बचता है, ऑल्टरनेटिंग हो गया। अच्छा एक तो बहुत अच्छे से दो बोला, अगर आपको एक सिग्मा है वो आपको सपोज कीजिए आर साइकिल के रूप में आपने लिख रखा है सिग्मा को, तो इस टाइप के कितने आर साइकिल्स हैं किसी एस एन, मीन्स नंबर ऑफ आर साइकिल्स, मतलब आर लेंथ की जो साइकिल है इन एस एन। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये काफी बार आपको काम आ जाता है अगर आपको जैसे सपोज के फाइव लेंथ की साइकिल्स फाइंड आउट करनी है एस एन में कितनी है, तो उसको आप इस वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। और इसी के साथ में एक और होता है, जैसे हमने सिग्मा इक्वल टू ले लिया सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा के, ओके, और यहाँ पे सपोज सिग्मा वन का जो ऑर्डर है वन है, सिग्मा टू का जो ऑर्डर है वो टू है, इस टाइप से, मतलब ये वन लेंथ का साइकिल हो गया, ये टू लेंथ का साइकिल हो गया, ये के लेंथ का साइकिल हो गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि एस एन में इस टाइप की कितनी साइकिल्स होंगी जिनका ये आपका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब इसमें एक एक लेंथ की साइकिल आएगी, एक टू लेंथ की साइकिल आएगी, के लेंथ की साइकिल भी आएगी। हो सकता है किसी में टू लेंथ की साइकिल्स तीन हो, एक लेंथ की हो ही ना, और के लेंथ की कोई चार हो, इस टाइप से। तो कुछ कुछ कंपोजिशन आपको दे सकता है कि इस टाइप का जो हमें सिग्मा दिया हुआ है और उस टाइप के कितने सिग्मा हो सकते हैं इस एस एन में। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो काफी बार आपको यूज में आता है, इसका आपका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए वन, अब वन की आप देखिए कि वन लेंथ की कितनी साइकिल्स हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ऐसे ले रही हूँ लेंथ और नंबर ऑफ साइकिल्स, सपोज कीजिए वन लेंथ की के वन साइकिल्स हैं, टू लेंथ की के टू साइकिल हैं, थ्री लेंथ की के थ्री साइकिल्स हैं, इस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। तो वन लेंथ की के है के वन है वन टू दी पावर के वन, टू लेंथ की कितनी है के टू, थ्री लेंथ की के थ्री, इस टाइप से चलता जाएगा। और अभी जो पावर से इनको आप फैक्टोरियल में ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जहां से आप बता सकते हैं कि ये जो आपको जो भी सिग्मा दिया है उस टाइप की कितनी परम्यूटेशन हो। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये आपकी बहुत हेल्पफुल हैं क्वेश्चंस करने में। इसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे हमने सिग्मा ले लिया आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका एस फाइव से बिलोंग कर, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है इस टाइप के कितने नंबर ऑफ सिग्मा, इस टाइप के कितने सिग्मा होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power के 1 to the power के 2 के 1 factorial के 2 factorial इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे एन हमारा क्या है, 5 है, 5 factorial। ओके, वन लेंथ की कितनी साइकिल हुई है, एक भी नहीं है, 1 to the power 0। 0 2 का आपका हो जाएगा 1, 3 का भी 1 हो जाएगा, 10 आपका 4, 5 कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 factorial 1 factorial 1 factorial सारे तो 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 factorial 6, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया जाएगा। तो इस टाइप की ये जो आपको सिग्मा दे दिया है इस वाले फॉर्मेट में, इस टाइप की कितनी कितने सिग्मा हो जाएंगे एस फाइव में 20। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अब इसका एक कुछ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, 6 order के 7 order के 8 और 10 order। तो जो भी आपको ये यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन किस टाइप से निकालते हैं वही निकालना है और कुछ भी नहीं यूज करना। मैम थर्ड ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, बाकी सारे ट्रू होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 to 4 1 to 4। ओके नहीं सर, तीसरा करेक्ट होगा, बाकी सारे सही। बाकी लोगों का अभी तक तो आ जाना चाहिए, क्विकली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। अच्छा, आपने जिन्होंने किया है उन्होंने क्या अप्रोच लिया है, एक बार मुझे बताइए। मैम पार्टीशन यूज किया। और बाकी एक और ने किसी ने आंसर बताया था, यस मैम, ये आर साइकिल, नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन एसएन वाला फार्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, उल्टा आंसर बताती है, मतलब 1 और 2 होगा और 3 और 4 नहीं होगा। तो तुम्हारा तो 1 और 2 ही तो लगाए तुम। 6 और 7 ऑर्डर का एलिमेंट S7 में होगा, तो वो दोनों तो नहीं होगा इस ऑप्शन में ना, क्योंकि वो एलिमेंट बोल रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आंसर लगा के होगी, तो तुम्हारे हिसाब से 3 और 4 ट्रू होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं करना था आपको, यहाँ पे किस चीज का बता रहा है, 6 order का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो 6 order का एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, जो भी आप सिग्मा ले रहे हैं, या तो आपको 6 length का एक साइकिल मिले, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा 1, सिग्मा 2 इस टाइप से मिले कि उनका जो ऑर्डर का जो एलसीएम है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी आपके पास इसमें एलिमेंट मिल सकता है 6 order का। ओके, और आपका यहाँ पे है S7, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप को सिग्मा मिलता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 सच दैट सिग्मा सपोज के सच दैट इसका जो एलसीएम हो रहा है इनके ऑर्डर्स का वो तो 6 हो रहा है, पर इनका जो लेंथ हो रहा है, मतलब अगर ये सपोज कीजिए R1 length की, R2 length की, R3 length की है, तो इन लेंथ का सम आपका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि आप किस में बात कर रहे हैं, S7, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है। ओके, अब देखिए 7 को हम 6, 1 लिख सकते हैं, अगर आपके पास σ1 और σ2 एक 6 length का एक 1 length का है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 6 plus 1
लेंथ इसका 7 हो गया और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक्जिस्ट कर गया सिग्मा, सच दैट इसका जो ऑर्डर हो रहा है जो 6 हो रहा है, ठीक है। किस टाइप से कि सिग्मा को आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख सकते हैं, जहाँ पे सिग्मा 1 का ऑर्डर 6 है और सिग्मा 2 का ऑर्डर 1 है, ठीक है। इस टाइप का एक सिग्मा मिल जाएगा आपके पास। और ये कह रहा है कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, नहीं हमारे पास तो मिल गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, आप सिग्मा ले लीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 7 और इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ भी 7 है, ये आपका S7 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि नो एलिमेंट, नहीं हमारे पास है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कि हमारे पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट निकलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एलसीएम 8 होना चाहिए, ओके। तो 8 एलसीएम कब आ सकता है आपका, 8 एलसीएम आपका एलसीएम इक्वल टू 8 आने के लिए एक एलिमेंट तो देखिए आपको 8 आना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है जब तक। यस मैम, ठीक है। तो 1.8 का भी 8 हो सकता है, 2.8 का भी हो सकता है, ठीक है, 4.8 का भी हो सकता है, फिर आपका 8.8 का भी हो सकता है। तो देखिए एक 8 तो आएगा ही ना, और अगर एक 8 आ गया और बाकी कुछ भी किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट आता है तो उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 प्लस हो जाएगी साइकिल्स की, पर हमारे पास कितना लेंथ होना चाहिए 7, पर यहाँ पे तो 8 प्लस हो रही है, तो यहाँ पे तो 7 से बड़ा हो गया ना लेंथ हमारे साइकिल्स का। अगर एक साइकिल लेते हैं, डिस्टेंट साइकिल्स लेते हैं दोनों ही केस में, तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है ऑर्डर का एलिमेंट। क्लियर हुआ ये चीज सबको, क्योंकि 8 ऑर्डर के लिए हमारे पास एलिमेंट का जो भी परमिटेशंस का जो ऑर्डर आ रहा है उसका जो एलसीएम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक तो है कि हम 8 लेंथ की एक ही साइकिल ले लें, पर हमारे पास S7 है इसलिए हम लोग 8 लेंथ की एक साइकिल नहीं ले सकते, और एलसीएम आने के लिए हमारे पास हमेशा 8 आए, मतलब एक ऐसी साइकिल एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर 8 होगा। बट अगर ऐसा हुआ तो जो साइकिल डिस्टेंट साइकिल्स हैं उनकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 8 से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे केस में पॉसिबल नहीं क्योंकि हम S7 पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई आपको परम्यूटेशन नहीं मिलेगी या फिर प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर आपको 8 मिल जाए, ठीक है। तो इस केस में आपका 3 जो है अब आपका ट्रू हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि देयर इज नो एलिमेंट, हाँ ठीक है हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, ओके। तो 10 का एलसीएम लेने के लिए क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका 10 का ही सीधा साइकिल हो जाएगा, 1.10 हो सकता है, 2.5 का भी एलसीएम 10 हो सकता है, 2.10 का भी हो सकता है, और बाकी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे हमें S7 के अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो देखिए यहाँ तो दोनों में 10 आ गया तो 10 प्लस लेंथ हो जाएगी, तो इनको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए अगर हम सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लेते हैं, जहाँ पे सिग्मा 1 का ऑर्डर 5 है और सिग्मा 2 का ऑर्डर 2 है, तो इसका सिग्मा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2.5 10 हो गया, और इनकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, S7 से बिलोंग कर जाएगा आपका। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है ना एक कॉम्बिनेशन, अगर हम एक सिग्मा 1 ले लें जिसका ऑर्डर 5 हो और एक सिग्मा 2 ले लें जिसका ऑर्डर 2 हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा आंसर हो गया आपका, 3। अब बताइए कहाँ पे डाउट आ रहा था इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना था, सिर्फ आपको एलसीएम वाला देखना था कि आपका एलसीएम का जो ऑर्डर पूछ रहा है उस टाइप का एलसीएम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाने का। क्लियर हुआ सभी का, yes, किसी को डाउट है इसमें? अभी आपने फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन एसएन
अगर उससे करना चाहे तो उससे क्यों करोगी? तुमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? देखो, जहाँ पे सुई का काम हो ना, वहां पे तलवार नहीं निकालते। जब हमारा काम बेसिकली हो जा रहा है एलसीएम सही, तो तुम क्यों फॉर्मूला यूज करो? ये तो आपका टाइम कंज्यूम करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? और उसके लिए भी आपको आर लेंथ की साइकिल के लिए भी आप उससे तो सिर्फ, जैसे इसमें छह बोला था तो छह लेंथ की साइकिल निकाल सकते हो, सात बोला था तो सात लेंथ की साइकिल निकाल सकते हो। अब आठ बोल रहा है, आठ लेंथ की साइकिल निकालोगी, पर एस सेवन में आपका एट लेंथ का साइकिल एग्जिस्ट करेगा या टेंथ लेंथ का एग्जिस्ट करेगा? तो आपके हिसाब से तो आपने तो डायरेक्ट टेन वाला टेन साइकिल निकाल दिया कि हाँ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे, पर आपने ये तो चेक नहीं किया कि टेन लेंथ का जो साइकिल है वो इसमें मिलेगा भी या नहीं एस सेवन, ये तो चेक नहीं किया आपने। तो यहाँ से तो आपका ये आंसर आपका तो करेक्ट आ रहा था, तो उससे तो फॉर्मूला से गड़बड़ी हो गई ना। तो हम बेसिकली कुछ नहीं यूज करना था, सिर्फ हमें पता है कि सिग्मा का जो ऑर्डर होता है वो एलसीएम हो, अगर इसको हम डिस्जॉइंट साइकिल्स में लिख रहे तो उनके ऑर्डर का एलसीएम होता है। बस हमें यही चेक करना था कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, जिससे एलसीएम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना था इसमें। और जैसे उन्होंने बोला कि पार्टीशन का, तो इसमें ये कि आपको सात का पार्टीशन, जैसे सात तो आपका छोटा एलिमेंट है तो इसलिए आपका इसका जैसे सात को सात ले सकते हैं, वन सिक्स ले सकते हैं, टू फाइव लिख सकते हैं, फिर थ्री फोर लिख सकते हैं, और उसके बाद में वन 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे इसको पार्टीशन कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि इनका एलसीएम क्या होता है। यहाँ से तो आपको पॉसिबिलिटी पता लग सकता था कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इस टाइप के ऑर्डर हमारे पास मिल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। पर ऐसे भी कर सकते हो कि छः एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है, छः एलसीएम कब आ सकता है, वो कॉम्बिनेशन हमारे जिस एस एन में हम लोग देख रहे हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा देन यू आर डन, अगर नहीं मिलेगा तो उस टाइप के कोई ऑर्डर आप ऑर्डर का एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपका जून 2018 में पूछा गया है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ज़्यादा पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, पर उसके लिए अभी हमको थोड़ा और थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सो आपका परमिटेशन आज ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट? नो मैम, नो मैडम। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर सकते हैं।